दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में इंडिपेंडेंट टीवी। ये मान लीजिए किसी प्रकार की कोई सर्विस हमें नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था इंडिपेंडेंट टीवी को लेकर, जो कि मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके कंफर्म किया था कि इंडिपेंडेंट टीवी के जो भी हमारे कलर्स के चैनल हैं वो कब तक हमारे इंडिपेंडेंट टीवी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे, कब हमारी सुचारू रूप से सर्विस चालू हो जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट टीवी ने जो मुझे रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई के ऊपर ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने समक्ष शेयर की कि इंडिपेंडेंट टीवी वालों ने बोला कि 25 या 26, यानी कि 26 उन्होंने एंड बताई थी, मैक्सिमम डेट बताई थी कि 26th तक, जून की बात नहीं कर रहे, जो करंट यानी कि आज की बात कर रहे हैं हम, 26th मई की हमारी एंड ऑफ डेट है। हर हालत में 26th को मई को हमारे कलर्स के चैनल दोबारा से शो करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया है। कितना वो टाइम उन्होंने बढ़ाया वो अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारा समय अपनी मर्जी से जो चाहे वो बोल देते हैं, बिना सोचे समझे मन में आता है उतना टाइम बढ़ा देते हैं, क्योंकि कस्टमर हैं हम, हमें सहन करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो कलर्स के चैनल हैं वो कब तक हमारे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो जी के चैनल हैं वो हमारे आएंगे या स्वाहा हो गए, नहीं आएंगे, क्या होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, छोटा सा इतना सा कि आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ फॉरवर्ड भी करिए, ताकि सभी लोगों को इंडिपेंडेंट टीवी की सच्चाई पता लग सके। और सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला है, कब उन्होंने डेट बताई है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले क्या करना सभी को पता है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट टीवी दिन प्रतिदिन डेट एक्सटेंड करता चला जा रहा है। हर प्रकार से डेट आज 2 दिन बढ़ा दी, कल 5 दिन बढ़ा दी, 15 दिन बढ़ा दी, अब तो हद ही कर दी। कलर्स की जो डेट उन्होंने बताई है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर दी उन्होंने। 26th मई करी थी एंड ऑफ डेट, और अब सीधा उन्होंने 15th जून कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे जी के चैनल की बात करें तो हमारे 30 तारीख तक पहुंचा दिया है। और उनका कहना है कि जो चैनल आप नहीं देख पा रहे हैं, उन चैनल का आप जब आपका पैकेज खत्म हो जाएगा, एनुअल पैकेज आपका खत्म हो जाएगा, तो आप सभी चैनल ना देखकर जो चैनल अब आप नहीं देख पा रहे हो इस समय में, जो कि कलर्स का हुआ, स्टार्स का हुआ और हमारे जी का हुआ। स्टार्स कल चैनल के लिए उनका कहना है कि स्टार चैनल का जो आप समय ड्यूरेशन में नहीं देख पाए, उसका रिफंड हमने मैक्सिमम लोगों का कर दिया है। तो दोस्तों हम चेक नहीं कर सकते, कैसे चेक करना है ये आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपका रिफंड हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो नीचे जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले लीजिए कि किस प्रकार से आपका रिफंड होगा और कैसे वो आपको प्राप्त होगा। और मैं आपको बता दूं, आज हम आपकी सारी जानकारी हम नहीं बोलेंगे, ये सारी जानकारी आप कस्टमर केयर की जुबानी ही सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर केयर की जुबानी आप इंडिपेंडेंट टीवी का सच सुनिए, क्या है इंडिपेंडेंट टीवी का सच और कैसे वो भ्रमित करते हैं लोगों को, किस प्रकार से वो अपनी जानकारी देते हैं घुमा फिरा के, हर चीज को घुमा फिरा कर आपको दिन प्रतिदिन टाइम पर टाइम आपको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जो असुविधा हो रही है वो आपकी असुविधा को नहीं देखते हैं, किसी प्रकार की आपकी जो समस्याएं हो रही हैं उसको समाधान नहीं करना चाहते हैं। बस एक ही चीज रटा रखी है उन्होंने, कुछ टेक्निकल इशू है, ब्रॉडकास्टिंग से कोई दिक्कत है, वो जैसे ही सोल्व हो जाएगी हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सुनाते हैं हम आपको कस्टमर केयर की जुबानी, उन्हीं का कुछ सच। इंडिपेंडेंट टीवी में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। योर कॉल इज इन अ क्यू एंड विल बी आंसर्ड शॉर्टली। योर कॉल इज इन अ क्यू एंड विल बी आंसर्ड शॉर्टली।
नमस्कार, इंडिपेंडेंट टीवी में आपका स्वागत है। मैं सलमान, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या जानकारी जानना चाहते हैं इंडिपेंडेंट टीवी से? सर मैंने परसों कॉल किया था इंडिपेंडेंट टीवी में, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि कलर से चैनल आपके आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं अभी। सुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं जी सर। कलर्स के चैनल से इश्यू चल रहा है सभी इंडिपेंडेंट टीवी कस्टमर्स के। अभी अपडेट आई है हमारे पास, कलर्स के चैनल आप जो है 15 जून से देख पाएंगे सर। 15 जून से देख पाएंगे जी। कारण सर? जी सर, तकनीकी खराबी आने के कारण प्रॉब्लम चल रही है चैनल। तकनीकी खराबी आ रही है जी। तो सर ये जैसे हमने हमारा जो इतने दिन हम नहीं देख पा रहे, क्या इसका हमें कोई रिफंड होगा या हमें कोई एडिशनल डेटा टाइम मिलेगा हमें? जी बिल्कुल सर, जितने दिन आप ये चैनल नहीं देख पा रहे हैं कलर्स, इस सर आपका जो अमाउंट है आपके इंडिपेंडेंट टीवी के अकाउंट में रिफंड कर दिया है सर, जिससे आपकी वैलिडिटी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा, जितना हमारा हम चैनल नहीं देख पा रहे हैं कलर्स के, उतना अमाउंट हमारा जो है इंडिपेंडेंट टीवी के उसमें अकाउंट में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो सर ये कब से हमारा बंद आई है हमारे चैनल? जी 15 मई से कलर्स के चैनल पे इश्यू चल रहा है और जी के चैनल पे भी इश्यू चल रहा है सेम। 15 मई से जी जी 15 मई से कलर्स के चैनल पे इश्यू आ रहा है। अच्छा, और जी के चैनल पे भी इश्यू आ रहा है, वो 3 मई से इशू आ रहा है। वो आप जी के जो चैनल एन टीवी एन पिक्चर्स जी सिनेमा, ये चैनल आप जो है 30 जून से देख पाएंगे। 30 जून से जी। और ये अपने कलर्स के हम 25 से जो 15 जून से देख पाएंगे। 15 जून से देख पाएंगे जी। और सर ये हमारा एक्सटेंड कब तक हो जाएगा ये हमारी जो वैलिडिटी है? जी जब तक आप ये चैनल नहीं देख पा रहे उसके अकॉर्डिंग आपका ये कैलकुलेट करके जो कलर्स के चैनल का अमाउंट होता है जो जी के चैनल का अमाउंट होता है दोनों का अलग अलग आपका जो है अमाउंट है आपके इंडिपेंडेंट टीवी के अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और जो आपकी वैलिडिटी जब तक है वो तो तब तक चलेगी, उसके बाद आपका ये टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और सर जो HD के चैनल आते थे हमारे वो? सर सुधरली समझ आते हैं, HD चैनल सर सभी कस्टमर पैकेज से रिमूव हो चुके हैं। अच्छा। न्यू गाइडलाइन आने के बाद से, तो आप यदि वो चैनल ऐड करना चाहते हैं तो हमारे अलग आते चैनल के माध्यम से ऐड कर पाएंगे, रिचार्ज के माध्यम से हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, जो हमारी वेबसाइट है www.independenttv.in। अच्छा अच्छा। और जो स्टार से चैनल थे वो तो सही आ रहे हैं क्या वो, या उसमें भी दिक्कत आ रही है हमारी? नहीं सर, वो आपके सही चलेंगे, वो सभी कस्टमर्स के इश्यू आ रहे थे पहले। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अब इश्यू रिजॉल्व हो चुका है, वो चैनल आपके कंटिन्यू है स्टार। अच्छा, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का, तो उसका हमारा जो हमने देख पाए वो हमारा अमाउंट? जी वो भी अमाउंट सभी कस्टमर के अकाउंट में रिफंड कर दिया है। रिफंड कर दिया, तो सर ये दिक्कत क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रहा? जी के कलर के चैनल पर तकनीकी इशू आने के कारण प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ऐसे तकनीकी प्रॉब्लम जैसे हमारे टाटा स्काई का भी है मेरे ब्रदर के पास में, उसमें तो कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा? नहीं सर, हमारे ब्रॉडकास्टिंग इंडिपेंडेंट टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग है जहाँ से आपका ब्रॉडकास्ट होते हैं चैनल, वहाँ पे इशू चल रहा है। नहीं नहीं, टाटा स्काई का भी तो ब्रॉडकास्टिंग सेम ही है। नहीं सर, अलग अलग, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एंड जो होते हैं अलग अलग DTH सर्विसेज के अलग अलग होते हैं। अच्छा जी। नहीं जो तो टाटा स्काई का हमारा बिल्कुल सही चल रहा, हमारे पड़ोस में हमारे एयरटेल DTH का है, डिजिटल टीवी है, उनका सही चल रहा है, इंडिपेंडेंट टीवी नहीं चल रहा हमारा। सर इंडिपेंडेंट टीवी के सभी कस्टमर के इश्यू आ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी के ब्रॉडकास्टिंग एंड पे तकनीकी खराबी आने के कारण प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि ये हमें सुनने को मिल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट टीवी बंद होने वाली है, अपना पैसा दोबारा से प्राप्त कर लो, जैसे भी करना है जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो वरना ये टीवी बंद होने वाली है। सर ये सब रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपके चैनल आपके कंटिन्यू रहेगा इंडिपेंडेंट टीवी, और जितने दिन आप ये चैनल नहीं देख पा रहे उसका रिफंड आपके इंडिपेंडेंट टीवी के अकाउंट में बैलेंस कर दिया है। आपका एनुअल पैकेज कितने का है सर? कहीं मेरा ज्यादा तो नहीं ले लिया मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर ने? जो हमारे ऑनलाइन जो बुकिंग थी उस समय हमारा जो था ऑनलाइन बुकिंग का 1999 प्लस 250 रूपए जो इंस्टॉलेशन चार्ज। हाँ, ये हमारे चार्जेस थे। तो सर मुझे मतलब कि ये रिफंड चाहिए तो कैसे क्या होगा? सर मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, रिफंड की कंपनी की कोई पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, 1990 रूपए तो मेरे गए वो तो। नहीं सर, तो आप तो कनेक्शन जो चैनल आप नहीं देख पा रहे हैं
तो वैलिडिटी इसमें एक्सचेंज करके दी जाएगी आप। 1990 या 1999 बताया आपने? 1999 रुपए जीएसटी, यानी पूरे पूरे 2000 रुपए ही हो गए पूरे के पूरे। प्लस 250 रुपए आपका जो है इंस्टॉलेशन चार्ज था ऑनलाइन बुकिंग। ये 2000 रुपए आपकी एनुअल फीस थी सर, है ना? जी, पैक जो आपको प्रोवाइड किया गया था वो आपका महाबचत पैक उस समय प्रोवाइड किया गया था, जो आप चेंज आपका बेस्ट प्लान में अब माइग्रेट हो चुका है। कौन से प्लान में हो गया? बेस्ट प्लान। अच्छा, उसमें क्या मिलेगा मुझे, बेनिफिट है या मेरा नुकसान है उसमें? सर गाइडलाइन आने के बाद से चेंजेस हुए थे ना, तो उसमें जो एचडी चैनल उसमें उपलब्ध नहीं है। तो हमारे को तो पता ही नहीं गया कि हमारा जो प्लान है वो पैकेज भी चेंज कर दिया गया। हमसे तो किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं मांगी गई इंडिपेंडेंट टीवी द्वारा। सर ये सर आपका जो है अभी तो सर आपके कलर्स और जीके चैनल से इश्यू आ रहा है सर। ये नहीं, तो, आपके तो सर ये मतलब कि हमारे विदाउट परमिशन के हमारा प्लान ही हमारा पैकेज ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। गाइडलाइन आने के बाद अभी सर ये चेंजेस मार्च मंथ में हुए थे। तो गाइडलाइंस के फिर भी सर कस्टमर्स को तो इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए ना आप लोगों को। सर उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के टीवी स्क्रीन पर मैसेज आ रहा था अपडेट के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं तो अपडेट के लिए तो टीवी तो हमारा चल ही नहीं रहा था सर। ये मार्च मंथ में गाइडलाइन आई थी तो सर मार्च महीने में, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैंने 2 महीने पहले मेरा सेटअप बॉक्स परचेज किया तो मेरा सर, तो गाइडलाइन लागू होने के बाद आपने लिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप? नहीं नहीं पहले लिया है मैंने, तो उसके बाद में 1 या 2 दिन मेरा सही चला था, उसके बाद में तो खत्म हो गया सारा सब कुछ। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि मैंने सब कुछ ही कुछ नहीं परचेज किया। सर जो कलर्स के चैनल से इशू आ रहा है ये 15 मई से आ रहा है। हाँ, और बी के चैनल से 3 मई से आ रहा है इशू। हाँ जी, और पहले मेरे स्टार्स के भी नहीं चल रहे थे उस समय में, एचडी के भी बंद हो गए थे। आपको वो 15 दिन का इशू था वो उसका रिफंड आपके टीवी के अकाउंट में बैलेंस कर दिया गया है। अच्छा अच्छा जी, तो मतलब कि अब क्या है सर मुझे ये तो बताइए, क्या मेरा ये 2000 रुपये मैंने लगाया था ये मेरा डूब गया है या मुझे सर्विस मिलेगी या क्या होगा इंडिपेंडेंट टीवी, या मैं नया कोई सेटअप बॉक्स मेरा परचेज कर लूं? सर सर्विस आपको मिलेगी सर, सर्विस मुझे मिलेगी सर जी बिल्कुल सर, और मुझे नया सेटअप बॉक्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं सर। तो सर सर्विस जब मुझे अभी मुझे मान लीजिए मुझे 2 महीने पहले ही मैंने खरीदा है और मेरा है ना अभी तक कोई भी चैनल मुझे जो फैमिली पैक था मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कोई भी किसी प्रकार के जो भी एंटरटेनमेंट पर चैनल चार प्लस देख पा रहे हैं, चार प्लस सर आप देख पा रहे हैं? सर मेरे को तो वो चैनल चाहिए जो मेरे फैमिली मेंबर देखते हैं, वही चैनल नहीं सर, आ रहे। इंडिपेंडेंट टीवी के प्लेटफॉर्म के चैनल वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार प्लस देख पा रहे हैं? हाँ जी, तो स्टार प्लस कलर्स के चैनल से अभी इश्यू चल रहा है, जी के चैनल के लिए आपको बताया जा रहा है इश्यू चल रहा है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार के चैनल अभी आप देख पाएंगे, सोनी के सोनी एंटरटेनमेंट सोनी साहब ये चैनल देख पाएंगे अभी। अच्छा, तो ये मतलब कि कुल मिला के अगले महीने तक आपके रिजॉल्व हो जाएगी सारी दिक्कतें? जी जी जी, और इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस अच्छी देगा ये? जी बिल्कुल सर, तो सेटअप बॉक्स परचेज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल। और सर अगर हम इसकी कंप्लेंट करना चाहें कि हमारे को सर्विस मिल ही नहीं रही है तो कहाँ पर? सभी कस्टमर्स के प्रॉब्लम आ रही है आपको उसकी जानकारी मैंने इतनी देर से वही बता रहा हूँ, सर्विसेज के लिए नहीं मिल रही तो जो किस प्रकार से आपको मिलेगी? नहीं वो तो मुझे आपने बताया कि वो प्रॉब्लम कब सोल्व हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कंप्लेंट नोट डाउन करवानी है। जी सर, तो सभी कस्टमर के ये इश्यू आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ इतनी देर। सर सभी को आ रहा है लेकिन सभी को कंप्लेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ना कि हमें कंप्लेंट नोट करेंगे तभी हम उसका आगे हमारा आगे फॉरवर्ड होगा। मुझे कंप्लेंट नोट करा के मुझे कुछ मेरा कंप्लेंट नंबर चाहिए तो मैं कहाँ पर? मैं आपको आपको मैं बता दे रहा हूँ सभी कस्टमर के ये इश्यू आ रहा है, तो जब इश्यू रिजॉल्व होगा तभी इश्यू तब आप चैनल देख पाएंगे, कंप्लेंट रेज होने से उससे आपका इशू पहले तो रिजॉल्व हो नहीं जाएगा सर। सॉल्यूशन में आपके केवल आपके इशू नहीं आ रहा है। नहीं नहीं औरों से मुझे क्या मतलब, मैंने तो मेरे 2000 रुपए दिए ना,
और उन्हें दिए नहीं थे उनको फ्री में मिला या नहीं मिला बता दो, रिफंड का आपका जितने दिन नहीं देख पाएंगे उसका रिफंड क्या है। तो सर मैं वही चीज बोल रहा हूँ, वर्बली का कैसे विश्वास करूँ मैं आपका, मेरी कोई कंप्लेंट नंबर नोट होगी तभी मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिनों से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मुझे कोई मतलब ऑप्शन नहीं है सर, आप जो हमारी मेल आईडी में मेल कर सकते हैं बट इसकी कोई कंप्लेंट का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये सभी कस्टमर्स के इश्यू है। अच्छा आपकी मेल आईडी पे हम मेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी मेल आईडी कस्टमर केयर @independenttv.in कस्टमर की, और मैं आपको जो अपडेट है कंपनी की तरफ से वो जानकारी बता रहा हूँ, और इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट का वो नहीं है क्योंकि सभी कस्टमर्स के इश्यू आ रहा है। जब इश्यू रिजॉल्व होगा आपको रिफंड के लिए भी मैंने बता दिया कि आपका रिफंड हो जाएगा बैलेंस जितने दिन नहीं देख पाए। अच्छा अच्छा रिफंड हो जाएगा मतलब कि जितने दिन आप ये चैनल नहीं देख पाए। तो इसका किसी प्रकार का हमें कोई लिखित रूप में नहीं मिलेगा या हमारी कोई कंप्लेंट रेज नहीं होगी जिसका हमारे पास कोई किसी का फीडबैक नहीं रहेगा हमारा? सभी कस्टमर के ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू अगर सभी कस्टमर आपको फोन करेंगे तो भी आपका नहीं होगा रेज, सभी को हो रही है तो सभी कुछ ना कुछ अपना फीडबैक चाहते होंगे या कुछ अपना कंप्लेंट नंबर चाहते होंगे। तो मैं बता जा रहा है समय जो इशू रिजॉल्व होगा क्योंकि कंप्लेंट क्योंकि ये टेक्नीशियन विजिट नहीं हो रहा जो आपको कंप्लेंट नंबर बताएगा, आपके कंप्लेंट टेक्नीशियन आके इशू रिजॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि स्टार के चैनल पे भी आ रहा था। स्टार के लिए आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी? देखिए दोस्तों कस्टमर केयर की बातचीत से तो हमें ऐसा पता लगता है कि उनको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमें करेक्ट नहीं देते हैं, वो हर बार हमारा टाइम एक्सटेंड करते रहते हैं, कभी 5 दिन का कभी 10 दिन का अभी 20 दिन का कभी 25 दिन का, और हमारा जो समय है हमारे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कस्टमर केयर वाले भी जानते हैं। तो दोस्तों क्या आपका ओपिनियन है इस चीज को सुनने के बाद में, वो ओपिनियन आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा कि आप क्या समझे इस चीज से, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका सच का पता लग सके कि क्या है इंडिपेंडेंट टीवी का सच, ताकि कोई भी नया कस्टमर इंडिपेंडेंट टीवी का सेटअप बॉक्स परचेज करने की सोच रहा है तो उसके पास ये वीडियो पहले पहुंच जाए ताकि वो ऐसा परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड करने में क्या जाता है हमारा, लेकिन जैसे हमारे साथ हुआ वैसे किसी और के साथ ना हो, इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, माध्यम चाहे वो जो भी अपनाना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड है, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम या और भी कोई फॉरवर्ड करने का माध्यम आपके पास हो सबसे फॉरवर्ड कर दीजिए, सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आप नया खरीदना चाहते हो तो पहले इस समस्याओं को सुन लीजिए, इसके बाद में ही आप सोचना या फिर कुछ और ही खरीदना। तो दोस्तों यही लीक्स था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्मेशन पता लग ही गई होगी कि क्या है इंडिपेंडेंट टीवी की हमारी कलर्स चैनल की डेट, और क्या हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की जी चैनल की डेट, और कैसे हमारे को वो रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे जो चैनल्स हैं वो एक्सटेंड करेंगे हमारे टाइम ड्यूरेशन होने के बाद में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।